झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। बीते दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर तंज कसने को लेकर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के विरोध में भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी माफी मांगे, आदिवासियों का अपमान कांग्रेस पार्टी द्वारा वर्षों से किया जा रहा है, कांग्रेसी आदिवासियों के हितैषी कभी नहीं रहे हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी महिला राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम किया है। सोनिया गांधी को माफी मांगना होगा, सिर्फ अधीर रंजन चौधरी के माफी मांगने से कुछ होने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश चुप नहीं बैठेगा। और जिस तरह से अपमानित करने का काम किया है, देश के आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेसियों ने किया है। राज्य के सत्ताधारी पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदन के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर निंदा की है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा, इस तरह के बयान से अधीर रंजन चौधरी को बचना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी जी का जो बयान है, निश्चित तौर पर किसी को अच्छा नहीं लगा। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने हैं तो हम लोग सम्मान करते हैं, और इसलिए भी सम्मान करते हैं कि वो झारखंड की हैं, उनका झारखंड से लगाव भी रहा है। जब वो महामहिम थी, यहाँ पर गवर्नर थी, तो हमको व्यक्तिगत रूप से जानती थी, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था, फ़ोन भी किया था अभी हाल के दिनों में कि बेटा तुम क्या करोगे। तो उनसे तो मेरा अच्छा संबंध है, और मैं कहूँगा कि अधीर रंजन चौधरी का जो बयान आया है, कांग्रेस के नेताओं से कहूँगा कम से कम बयानबाजी से बचना चाहिए। राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च पद पर बैठ गई हैं, तो झारखंड जहाँ से हम लोग जीत कर आते हैं वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो कांग्रेस सदा आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। कभी भी कांग्रेस ने ऐसी बातें कभी सामने नहीं आया, जो बातें सामने आया हमें लगता है कि उनको माफी मांगना चाहिए। वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी से मिस्टेक तो हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर बयान देने के क्रम में उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था। वो यदि कोई भूल मिस्टेक से हो जाता है तो उसको पकड़ता है, वो बड़ा बात थोड़ी है, सुधारने होता है क्या। वहीं गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा, जेएमएम पार्टी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बहुत ही सम्मान करती है, हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ही वोट किया था, इस तरह के बयान से कांग्रेस नेता को बचना चाहिए। देश की राष्ट्रपति हैं, महामहिम है, और यह विधानसभा सौध इस बात का गवाह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायकों ने उनको अपना बहुमूल्य मत देकर देश का प्रथम नागरिक बनाया। हमारे नजरों में वो आदरणीय है और उनका पद और उनकी व्यक्तित्व का सम्मान होना चाहिए। वहीं कांग्रेस खेमे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मिस्टेक हुआ है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अभद्र टिप्पणी की है, लेकिन अगर भाजपा आदिवासियों की इतनी हितैषी है, झारखंड से कई बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं, तो उन्हें पारित करवाए, सरना कोड, वन कानून जैसे बिल को पारित करवाना ही चाहिए। हितैषी है आदिवासियों के, इतने बड़े हितैषी है मूलवासियों के, तो इन्हें जो हमने सरना धर्म कोड जो पारित करवा के उसका बिल प्रस्ताव पारित करवा के विधानसभा से हमने भेजने का काम किया है, ये पहल करें, और केंद्र में इनकी सरकार है, लोकसभा से पास करवा के, और ये अगर आदिवासियों के हितैषी हैं तो ये सरना धर्म कोड पास करवा के, जो इनका एक साजिश है कि हम आदिवासियों को समूल नाश कर देंगे पूरे देश से, उनका अस्तित्व मिटा देंगे, ये क्या बात करेंगे आदिवासी हित की, ये सिर्फ घड़ियाली हंसी बहाने वाले हैं, और किसी तरह का कोई भी झारखंड की आम जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आका के इशारे पर काम करते हैं और झारखंड की जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। बहरहाल जिस तरह से कांग्रेस के अंदर खाने में विरोध फूट रहा है, आने वाले दिनों में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है। न्यूज विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।